नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने का क्या महत्व है तथा इसकी कथा क्या है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप हमें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस एकादशी को किस नाम से जानते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने से हमें कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस एकादशी का व्रत रखने से बड़े बड़े पाप मिट जाते हैं और इसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्यौहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ में वरुण, कुबेर और विभीषण उनके मित्र थे। राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और विष्णु भगवान के परम भक्त थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह शोभन नामक एक राजकुमार से कर दिया था। एक बार शोभन के मन में इच्छा हुई अपने ससुर के नगर को देखने की, तो वो अपने पत्नी के साथ अपने ससुर के घर आए। राजा मुचकुंद ने उनका बड़ा स्वागत किया। उसी समय रमा एकादशी आने वाली थी। राजा दशमी तिथि के दिन ही अपने नगर में ढोल पिटवा देते थे कि एकादशी तिथि को कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जब एकादशी तिथि नजदीक आ गई तो शोभन के मन में चिंता हुई कि मैं क्या करूं, मैं तो व्रत कर नहीं सकता और अन्न जल के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने चंद्रभागा से पूछा कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, मैं क्या करूं? तो चंद्रभागा ने कहा कि अगर आप व्रत नहीं कर पाएंगे, अन्न जल के बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, क्योंकि हमारे पिता के राज्य में तो मनुष्य पशु पक्षी भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप किसी दूसरे राज्य में जाकर अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। ये बात शोभन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं भी ये व्रत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। रमा एकादशी आई, सबने एकादशी का व्रत किया। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, किंतु वो अन्न जल के बिना बड़ा कष्ट उठा रहे थे। जब शाम के समय रात्रि जागरण का समय आया तो सब लोग कीर्तन कर रहे थे, रात्रि जागरण कर रहे थे, लेकिन शोभन बहुत ही परेशान थे। वो अन्न और जल के बिना बिल्कुल रह नहीं पा रहे थे और सुबह होते होते उनकी मृत्यु भी हो गई। इस बात पर राजा मुचकुंद ने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी पुत्री चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। किंतु शोभन को रंभा एकादशी के पुण्य फल के पश्चात मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वो नगर सोने चांदी बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था। अप्सराएं और गंधर्व उनकी सेवा में थे और वो वहाँ पर अपना समय बिताने लगे, लेकिन वो नगर स्थिर नहीं था। एक बार राजा मुचकुंद
के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो कि तीर्थ यात्रा पर निकला था, घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर पहुंचा और वो मंदराचल पर्वत पर सुंदर नगरी को देखकर मोहित हो गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने शोभन को देखा और पहचान लिया और बोला कि अरे, ये तो चंद्रभागा का पति है। तब वह ब्राह्मण उस शोभन राजा के पास गया। राजा शोभन भी उस ब्राह्मण को पहचान लिए और मुचकुंद राजा के बारे में और उनके नगर के बारे में पूछताछ करने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब ठीक है। तब शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि हे महाराज, यह नगर बहुत सुंदर है किंतु स्थिर नहीं है, स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। तब ब्राह्मण मन में ही सोचा कि अगर तुम चंद्रभागा को यहाँ पर ले आओगे तो ये नगर स्थिर हो जाएगा। यह सोचते सोचते वह ब्राह्मण वहाँ से निकला और सीधे अपने नगर को आ गया। नगर आते ही वह सबसे पहले चंद्रभागा से मिला और चंद्रभागा को सारी वृतांत कह सुनाया। चंद्रभागा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बार बार ब्राह्मण से पूछती कि ब्राह्मण, सत्य में वो बताइए कि उस नगर में शोभन ही थे? तो वो ब्राह्मण बोला कि हाँ, वो शोभन ही थे। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे उनके पास ले चलिए, एक बिछड़े को मिलाने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है, आप मुझे मेरे शोभन से मिला दीजिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं अवश्य ही तुम्हें शोभन से मिलाऊंगा। और यह कहकर वह ब्राह्मण चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत पर ले गया। सोम शर्मा मंदराचल पर्वत पर जाने से पहले ही वहाँ पर एक वामदेव ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर चंद्रभागा को लेकर गए और उसे सारे वृतांत कह सुनाए। ऋषि ने सब बात जब सुन ली तो अपने वेद उच्चारण के माध्यम से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रोच्चारण के पश्चात चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को के बाद बड़ी प्रसन्नता से वो पास बिठाया। इस प्रकार से चंद्रभागा ने कहा कि मैं जब अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और उस एकादशी व्रत के पुण्य से हे शोभन, आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, इसलिए आप मेरे पुण्य को लीजिए। और चंद्रभागा के पुण्य से वह नगर स्थिर हो गया और शोभन और चंद्रभागा दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक उस नगर में रहने लगे। इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।